हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बोल। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से कल के लिए ट्रेडिंग रेंज होने वाले हैं जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के मूवमेंट भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम अपने चार्ट स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे कि आपको मालूम है, आज निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर वहीं मैं बात करूं, निफ्टी ने जो आज गैप डाउन की ओपनिंग की थी वो की थी 16,840 के लेवल की। साथ ही निफ्टी ने जो डे लो लगाया वो लगाया 16,400 के नियर बाय, और साथ ही आप देख सकते हैं निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 16,613 के लेवल की। तो अगर मैं आज की मूवमेंट की बात करूं, निफ्टी आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे यहां से एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई है, यानी यहां पे बायर एक्यूमुलेट हुए हैं और बायर एक्टिव हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिर दोबारा 200 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली है। अगर मैं प्रीवियस चार्ट की एनालिसिस करूं तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेडिंग रेंज था, ये जो मार्केट का ये ट्रेडिंग रेंज था, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ टाइम इस रेंज में ट्रेडिंग हुई है और निफ्टी इसी रेंज से एक अच्छा खासा मोमेंटम यानी बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर गया था। तो आप देख सकते हैं जो 16,400 का लेवल था मार्केट के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था, ये कह सकते हैं मेजर सपोर्ट लेवल था। अगर उसमें ब्रेकआउट होता तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती थी, 16,200 के लेवल भी देखने को मिल सकते थे आज में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऑफ ट्रेडिंग हुई है, इसलिए आज मार्केट में हमें एक अच्छा खासा एंड ऑफ द डे 200 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ कि कल हमें मार्केट में कौन से हमें ट्रेडिंग रेंज मिलने वाले हैं, या बोल सकते हैं कि हमें कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है जहां से मार्केट रिट्रीव कर सकता है या उधर से रिस्पेक्ट करके वापस डाउनफॉल की तरफ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेडिंग रेंज है, आप देख सकते हैं जो ये वाला ट्रेडिंग रेंज है 16,750 के लेवल का, ये एक मेजर सपोर्ट के लिए कल काम कर सकता है। अब इस लेवल पे देख सकते हैं मार्केट ने ये जो हमारा 18 अगस्त को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था वहां से फिर डाउनफॉल आया, फिर अगेन मार्केट ने मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, यानी बैक टू बैक हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी दिखा है। जैसे इसमें हमें गैप अप में ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था, देन मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा था। वहीं अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे दोबारा रिस्पेक्ट किया था, यहीं से पूरी की पूरी कैंडल कवर हो गई है 4 आवर वाली, 4 आवर टाइम फ्रेम वाली। और आप देख सकते हैं जैसे इसमें हमें आज गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग हुई और यहाँ पे ब्रेकआउट होता दिखा, तो सीधा मार्केट कहाँ पे सस्टेन करा 16,400 के लेवल पे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कल मार्केट ने गैप अप की ओपनिंग करता है और ट्रेडिंग अगर निफ्टी में होती है 16,750 के लेवल की, तो आप अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में एक छोटे से एसएल के साथ। तो अब कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 16,750 का। अगर इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो मार्केट में हमें 17,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, मार्केट ने अगर इस रेंज में इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहां से अगर हमें अगेन मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला, मार्केट होल्ड कर सकता है 16,400 के लेवल पे। अगर निफ्टी ने इस लेवल को भी यानी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हमें आने वाले दिनों में या कह सकते हैं इस वीक में और नीचे के लेवल दिख सकते हैं। यानी अगर मैं वही कल की बात करूं तो कल हमें 16,200 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ने गिरावट करी तो। तो गाइस, ये जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिलने वाले हैं, साथ ही मैं अपने ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन करने वाला हूं। तो अगर आपने मुझे अभी तक वहां पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की।
जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स का ही चार्ट ओपन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। आज हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को और निफ्टी को की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे वो सारे ब्रेकआउट होते हुए नीचे आ चुके हैं। जो हमें अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है वो प्रीवियस चार्ट की एनालिसिस करने पे ही मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो आज गैप डाउन की ओपनिंग की थी वो की थी 35,243 के लेवल पे, और साथ ही आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जो डे लो लगाया था वो लगाया था 34,000 का, और बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है वो दी है 34,436 के लेवल की। तो अगर मैं वही बात करूं, बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हैं जो हमारा ये ब्लैक कर्व है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके नियर बाय ही, मैं अगर चार्ट को जूम करूं तो आप देख सकते हैं उसको ब्रेकआउट नहीं मिला है, उसको रिस्पेक्ट करके एक नीचे हल्का सा नीचे आके हमें एक क्लोजिंग दी है, यानी कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट करके, यानी ब्रेकआउट नहीं मिला बट क्लोजिंग उसके नीचे ही दी है। तो अगर मैं वही बात करूं कि कल मार्केट में हमें कौन से मेजर सपोर्ट मिलने वाले हैं या रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, कौन सा ट्रेडिंग रेंज होना चाहिए, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप की ओपनिंग होती है, अगर मार्केट ने गैप अप की ओपनिंग देते 200 पॉइंट प्लस की बैंक निफ्टी 34,600 के लेवल की, और ये ब्लैक जो हमारा कर्व है इधर ही नियर बाय, यानी 34,500 या 550 के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखता है, और यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, अगेन बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 34,400 के लेवल पे, देन हम अपनी एक छोटी सी पुट की पोजीशन यानी बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं एक छोटे से एसएल के लिए। हमारा जो एसएल होगा वो छोटा होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो काफी अच्छा हो सकता है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 34,000, जो आज का जो सपोर्ट था 34,000 डाला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस में अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इस रेंज में देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम, आप देख सकते हैं इस रेंज में मल्टीपल ऑफ टाइम बैंक निफ्टी ट्रेड कर चुका है, यानी इसी रेंज से बैंक निफ्टी में बायर जो है एक्युमुलेट होते हैं, बायर एक्टिव होते हैं नो डाउट। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वन बैंक निफ्टी, सेकेंड ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया हुआ है इसी रेंज में जो हमारा है 34,000 और 34,200 का जो मेजर रेंज लेवल है। अगर इसमें हमें यार कल गैप अप की ओपनिंग होती हुई दिखती है और मार्केट जो बैंक निफ्टी है 34,600 लेवल प्लस से ट्रेड करता है, देन हमें अगेन बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है वो 35,000 का मिल सकता है, आप इस रेंज में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को जो मेजर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 35,000 का कल के मार्केट के लिए। अगर बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, या अगर मैं ब्रेकआउट नहीं करते वाली बात करते हैं, तो यहीं से मार्केट में दोबारा हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी जो है वो 34,200 के लेवल पे दोबारा सस्टेन कर सकता है। अगर इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है देन हमें मार्केट में थोड़ी सी तेजी और देखने को मिल सकती है कल के लिए। वहीं अगर मैं बेरिश मार्केट की बात करूं कि कल मार्केट ने अगेन गैप डाउन की ओपनिंग करता है और जो हमारा ये 34,000 वाला लेवल है उसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, देन मार्केट में हमें कल फिर और अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। गाइस, जो हम ये लेवल डिस्कस कर रहे हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए जाएंगे, आप वहां पे जाके इन लेवल को चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पे भी ये लेवल डिस्कस करने वाला हूँ या मेंशन करने वाला हूँ, तो आप मुझे वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्विक एनालिसिस, कह सकते हैं कि कल की मार्केट के लिए कौन सा ट्रेडिंग रेंज होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।